गुजरात में डबल एंजीन सरकार है। केन्द्र में भाजपनी सरकार और गुजरात में भाजपनी सरकार है। 27-20 वर्ष थी भारतीय जनता पार्टी एक हत्थु सत्संग गुजरात में है। त्यारे 2022 की चूंटणी योजावानी है, त्यारे आ सत्ता जाळवी राखवा माटे विविध कार्यक्रमों आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवामां आवी रह्युं छे। अगाऊ पण 1000 गरीब कल्याण मेळानुं आयोजन करी अने गरीबोने विविध लाभो आपवामां आव्या हता, त्यारे हवे फरीथी शरू थई रह्या छे गरीब कल्याण सम्मेलनों, अने जे अंतर्गत कार्यकरोने एकठा करी अने जीतनो मंत्र आपवामां आवी रह्यो छे। कपडवंज टाउन हॉल खाते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना 8 वर्षना शासनकाल सुशासन अंतर्गत गरीब कल्याण सम्मेलनનું आयोजन કરવામાં આવ્યું હતું। प्रदेश उपाध्यक्ष અને खेड़ा जिला भाजप प्रभारी गोरधनभाई जड़फियाની उपस्थितिમાં गरीब कल्याण सम्मेलनનું आयोजन कपडवंज खाते टाउन हॉल में योजाई गયું। आ प्रसंगे आज़ादी का अमृत महोत्सव की उजवणीના भागरूपे गरीब कल्याण सम्मेलનમાં देशना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिमाचल प्रदेशना शिमला थी तेमज राज्यना मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल महात्मा मंदिर खाते थी गांधीनगर थी वर्चुअल माध्यम थी सम्मेलन में जोड़ाया हता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदीना नेतृत्व में सरकार छेवाड़ाना व्यक्ति सुधी लाभों आपवामां सफल रही है तेम तेमणे जणाव्युं हतुं। गुजरातना मुख्यमंत्री तरीके नरेन्द्र मोदीए जे कल्पनाओं करी हती ते कल्पनाओं साकार थवा जई रही छे तेम पण तेमणे जणाव्युं हतुं। सरकारनी विविध योजनाओं थकी आजे छेवाड़ाना व्यक्तिने विविध लाभों मळता थया छे, तेमज समाजना तमाम व्यक्तिओने दरेक प्रकारना व्यक्तिओने खास करीने जे गरीब छे अने पछात विस्तारमां रहे छे तेवा लोकोने सरकारनी योजनाओं आजे आशीर्वादरूप समान छे तेम तेमणे जणाव्युं हतुं। केन्द्र सरकार अने राज्य सरकार ने डबल एंजीन द्वारा प्रजा माटे श्रेष्ठ योजनाओं आपवामां आवी रही है। कोरोना वखते पण मातानी जे छत्रछाया गुमावनार बाळको माटे प्रधानमंत्री पीएम केर्स योजना लॉन्च करी है अने तेनुं अमलीकरण पण कराव्युं छे। तेम आज़ादी का अमृत महोत्सव अने 8 साल पूर्ण थता मोदी शासनना जे कार्यों छे ते प्रजा समक्ष लई जवामां आवी रह्या छे। 2022 की चूंटणी विधानसभा में योजावानी छे, जेने लईने तड़ामार तैयारीओ शरू थई गई छे। विविध कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे। हाल में गुजरात में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पण 2 दिवसनी मुलाकाते रह्या हता, तेमज अमित शाह पण मुलाकात करी हती गुजरातनी अने गुजरात में सभाओने संबोधी हती। अने मोदी शासनना 8 वर्षना शासनकाल में जो विकास कार्यों थया छे तेनी रूपरेखा पण आपवामां आवी हती, जे अंतर्गत आ सम्मेलन योजायु गरीब कल्याण सम्मेलन। ते सम्मेलन में मोटी संख्या में लोग उपस्थित रह्या हता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकरो तेमज खेड़ा जिला भाजप महामंत्री विकास भाई शाह, नटूभाई सोढ़ा उपाध्यक्ष गोपाल भाई शाह, खेड़ा जिला किसान मोर्चा प्रमुख चिमनभाई पटेल, नगीनभाई पटेल, परेशभाई पटेल, प्रहलाद सिंह तथा शहर तालुका प्रमुख महामंत्रीश्रीओ तेमज होद्देदारों अने कार्यकर्ताओं पण उपस्थित रह्या हता। 2022 की चूंटणी ने ध्यान में लईने हवे विविध कार्यक्रमों योजाई रह्या छे, त्यारे आवनार 2022 की चूंटणी में गुजरात में बहु महत्वनो आ चूंटणी कहेवाशे अने आ चूंटणीमां एडी चूंटणीनुं जोर लगाववा माटे भारतीय जनता पार्टी द्वारा विविध कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे, जेमां आज़ादीनो अमृत महोत्सव हवे चाली ज रह्यो छे, तेनी साथे साथे हवे गरीब कल्याण सम्मेलनो पण योजावा जई रह्या छे अने समग्र गुजरातभरमां आ गरीब कल्याण सम्मेलनो योजाई रह्या छे। એટલો ઉદ્ધાર થયો અને હવે गरीब कल्याण सम्मेलन द्वारा केटलो उद्धार थशे ते तो 2022 नी चूंटणी बाद ज खबर पड़शे। हाल में तो चूंटणीनो माहौल सर्जायो छे, जेने लईने विविध कार्यक्रमोनुं आयोजन करवामां आवतुं होय छे। आ आयोजन में मोटी संख्या में कार्यकरो उपस्थित रहे अने कार्यकरोना छेवाड़ामांना मानवी सुधी मतदार सुधी लाभो पहोंचे अने ते मतदार मतदान में कन्वर्ट कराय ते माटेना जीतनो मंत्र साथे 27 वर्षना शासन ने टकावी राखवा माटे विविध कार्यक्रमों थकी लोको सुधी पहोंचवानो प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवामां आवी रह्यो छे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा गरीब कल्याण सम्मेलन हवे योजाई रह्या छे। अगाऊ 1000 गरीब कल्याण मेळाओ योजाया हता। एक मेळामां 10,000 के 5,000 लोगों कल्याण थतु होय तो 10,000 गरीब कल्याण मेला गुजरात सरकार में अत्यार सुधीना योजाई गया है ने हवे गरीब कल्याण सम्मेलन योजाई रह्या छे त्यारे गरीबों कल्याण हवे थई जवानुं छे। आज़ादी अमृत महोत्सव चाली रह्यो छे। प्रधानमंत्री 8 वर्ष पूर्ण थता सुशासन चाली रह्युं छे ने आ सुशासन में केटला विकासना कामों थया जे अंतर्गत लोग सुधी पहुँचवा माटेनो प्रयास करवामां आवी रह्यो छे ने एनी चूंटणीनो जोर लगावी 2022 नी विधानसभा नी चूंटणी जीतना मंत्र साथे छेवाड़ाना मानवी सुधी संकल्प करीने मतने कन्वर्ट करी अने भारतीय जनता पार्टीनी जीत हासिल करवा माटेनो मंत्र मुग्ध करी अने मंत्र आपी अने गरीबोनुं कल्याण अने पछात जातिनुं कल्याण करी होय जेने ले अने मतदारों सुधी पहोंची अने मत मेळववानो प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवामां आवनार होय त्यारे आवनार समयमां वधु ने वधु सम्मेलनो योजाय तो नवाय नहीं। गरीब कल्याण सम्मेलन योजाई रह्युं छे तेमां केटलानुं कल्याण थशे ते जोवानुं रह्युं। आजे गुजरातना पनोता पुत्र देशना प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहेब एमना शासन ने 8 वर्ष पूर्ण थाय छे। शिमला खातेथी समग्र देश में देश की जनता ने लाभार्थीओं ने संबोधन करवाना छे। कोरोना काल में भी हमें 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां भेजी हैं, वैक्सीन भेजी है और इसमें हिमाचल प्रदेश के आधार पश्चिम की भी बड़ी भूमिका रही। भारत ने सिद्ध किया है कि हमारे पास पोटेंशियल भी है और हम परफॉर्मर भी। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मान रही है कि भारत में गरीबी कम हो रही है, लोगों के पास सुविधाएं बढ़ रही हैं। इसलिए अब भारत को सिर्फ अपने लोगों की आवश्यकताएं इतनी नहीं करनी है बल्कि लोगों की जानी हुई आकांक्षाओं को भी हमें पूरा करना है। हमें 21वीं सदी के बुलंद भारत के आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भविष्य के अपने आप को खपाना है। एक ऐसा भारत जिसकी पहचान अभाव नहीं बल्कि आधुनिकता हो। एक ऐसा भारत जिसमें लोकल मैन्युफैक्चरर लोकल डिमांड को भी पूरा करे और दुनिया के बाजारों में भी अपना सामान दे। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, जो अपने लोगों के लिए वोकल हो, जिससे अपने स्थानीय उत्पादों पर गर्व हो। हमारे हिमाचल का तो यहाँ की वास्तुकला वैसे ही चंबा का मेटल वर्क विदेश जवानी लोन SC, ST, OBC અને દર્શન કેટેગરી 15 લાખ રૂપિયા માત્ર વાર્ષિક 4% વ્યાજે આપીએ છીએ અને ગયા વર્ષે માત્ર 1 વર્ષમાં કોરોના હોવા છતાં 5000 વિદ્યાર્થીઓને આ લોન મોકલીને વિદેશમાં ભણવા મોકલવાનું પણ આદરા છે અને એટલા માટે આજનો જે સમય છે 370 ની કલમ આખી દુનિયા કટીના હાટે आज़ादी का 7 दायका सुधी आतंकवाद जेना कारणे पैदा थयो ए 370 એને દૂર કરવાનું કામ દેશના પ્રધાનમંત્રી અને ગુજરાતના બીજા પનોતા પુત્ર અમિતભાઈ શાહ કોઈ કલ્પના નથી અને આઝાદ ભારતમાં કાશ્મીરે મસ્તક કપાયેલું, આઝાદી વખતે 2 ભુજા તો કપાઈ ગઈ। એ વખતે કવિ कि दया न खाकर दुश्मनों का उस समय गला घोट दिया होता, टुकड़े दो न करके सीधा सीधा घाट दिया होता। पारदर्शिता बदनामित न होती, इतिहास के पन्नों पर कश्मीर मुद्दा न होता, मेरी भारत माता के सीने आ पीड़ा में मुक्त करवानुं काम जो कोई कहीं हो तो देश का प्रधानमंत्री आदरणीय नरेन्द्रभाई मोदी है। एटला माटे आ देश नरेन्द्रभाईनो सदैव ऋणी रहेवानो छे। भारतनी अस्मिता, भारतनो इतिहास, भारतना महापुरुषो, भगवान राम नु मंदिर बनावा माटे वर्षोनी तपश्चर्या, पूरा 500 वर्ष, 4.5 लाख लोकोनु बलिदान અને એના અંતે નામદાર સુપ્રીમ કોર્ટે આપેલા ચુકાદાથી દેશમાં પાયાની નીંદ નાખી છે। એ વખતે દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ કહ્યું, આ રામ મંદિરની નીંદ નથી, આ ભારતના નવ નિર્માણની નીંદ નાખી રહ્યો છે। એના કારણે દેશમાં જે તાકાત પેદા થઈ અને કોઈના સાથે ભેદભાવ વગરની યોજનાઓ, જ્ઞાતિ, જાતિ, પંથ, પ્રાંત, ભાષા, સંપ્રદાય કોઈ ભેદભાવ વગર आ धरती में रहता बधा ज माणसों ने सरकार की तमाम योजनाओं बगैर भेदभाव आपी शकाय। नरेन्द्रभाईना नेतृत्व में देशे खूब आगळ प्रगति करी कि 2014 जब नरेन्द्रभाई पहली बार देश का प्रधानमंत्री बन्या त्यारे देश ने एक आशा तो एक किरण, कारण के 10 वर्षना कांग्रेस यूपीए शासन में केन्द्र में अनेक प्रकार भ्रष्टाचार, अनेक घोटाड़ा, देश ने एक आशा जन्मी नरेन्द्रभाई स्वरूप में। 2014 नरेन्द्रभाई देश नु दुकान संभाळ्युं, आज 8 वर्ष पूरा थाय। परंतु आ देश में आजादी 7 दायका पछी लोगों में एक विश्वास नु वातावरण, समग्र दुनिया में हिंदुस्तान उन्नत मस्तक रहे एवं प्रकार की देश की शासन व्यवस्था अने गरीबों प्रत्येनी योजनाओं की सरवाणी, जेना कारणे अपने बधा ज प्रसंगों जोया जे घटनाओं बनी नरेन्द्रभाई ने नेतृत्व में। ये घटनाओं कदाच इतिहास तो लखशे पर गरीब माणसना जीवन में जो परिवर्तन आव्युं, आ देश में लगभग 14.5 करोड़ खातेदारों, खेडूत खातेदार, अने ए खेडूत खातेदारोना खातामां सीधा पैसा आवे एवो आजादीना 7 दायका पछी पहली वार जो कर्युं होय तो नरेन्द्रभाई मोदी सरकारे। दर वर्षे 6,000, आजे पण एक हफ्तो आप शुरू थवानो छे, आजे साहेब 2,000 नो एक हफ्तो जे 4 महीना आवे छे आपवानो छे। हिसाब करीए ने तो दर वर्षे 90,000 करोड़ खेडूतोना खातामां सीधा जाय छे। 5 वर्षना 4.5 लाख करोड़ आ देशना जगतना ताप एवा किसानोना खातामां એટલા માટે આપી છે कारण खेती करनी शुरुआत की सरकारों ने खेती प्रत्ये ओरमायू वर्तन राख्यू, एना परिणामे देशना लगभग 3 करोड़ लोगों खेती छोड़ी दी। अपने कही छे खेडूत जगतनो ताप, पण सौथी वधारे मुश्केली भोगवतेलो होय तो ए जगतनो ताप छे अने એટલા માટે देशना प्रधानमंत्री श्री आ निर्णय 2019 માં કર્યો તો આજે 3 વર્ષ થવા આવ્યા। એવી જ રીતે કિડની કેન્સર ને હૃદય જેવી જીવલેણ બીમારીઓ કુદરત ન કરે કોઈના ઘરમાં આવે, પણ આવી બીમારી આવે તો એ માણસનું થાય શું? મોદીની ગામડામાં કુદરતી હાજરી જેવો હોય તો કાં તો સૂર્ય અસ્ત થાય પછી, કાં તો સૂર્ય ઉગે પહેલા बात करता नजर आता है। वो भारत जो आज दुनिया को राह दिखाता नजर आता है, वो भारत